अस्सलाम वालेकुम भाई जहीर अहमद नूरानी मीत का सेक्रेटरी होते हुए तमाम ब्रदर इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हूँ। और जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की जो खिलासत निकलती है उसमें जो बीबीएमपी की गाड़ियों का इंतजाम किया गया, हुकूमत की तरफ से गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, गाड़ियों में डालें और खिलासत आजू बाजू ना करें। माशाल्लाह इस साल तो कोविड का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ईदगाह पूरे खुले हैं, मस्जिदें सब खुले हैं। आप अपने अपनी जगह अपने अपने एरिया में ईदगाहों में मस्जिदों में नमाज पढ़ के सुकून और अमन से अपने अपने घर वापस आए। और मैं ईमानदार हजरात से ये भी अपील करता हूँ कि जो कुर्बानी देते हैं अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें और गरीबों का ख्याल रखें, दोस्तों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रख के तकसीम किया जाए। और इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जानवर जब जुबा होता है तो तीन हिस्से किए जाते हैं, इसके तीन हिस्से करने के बाद आप लोग क्या करना चाहिए, गरीबों का ख्याल करना चाहिए और पड़ोसी का ख्याल, मुसलमान जो पड़ोसी रहते हैं उनका ख्याल करना चाहिए और आपके रिश्तेदारों का भी ख्याल करना चाहिए और आपके लिए भी खुद के लिए भी थोड़ा उठा के रख लें। और ये जानवर का चमड़ा रहता है कुर्बानी होने के बाद जो गिलासत उठा के आप बीबीएमपी को दे देते हैं, उसके बाद आप जो चमड़ा रहता है मुस्तकी जो लोग इसके मुतबिल हैं वैसे मदरसे में जाके आप अपने खुद जाके गाड़ी में दे के आए। जैसा कि आप लोग को सब मालूम है कर्नाटक हुकूमत के अंदर जो हालात अब चल रहे हैं इसकी वजह से, वरना आप हम अपने होते हवास से होश और हवास से काम लें, हिकमत से काम लें। मैं फिर एक बार आप लोगों से उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारक देते हुए अस्सलाम वालेकुम।